हमने कहा कि मान लीजिए कोई भी ग्रह की दशा अंतरदशा चले, हम ये आज पढ़ाएंगे कौन सा हाउस एक्टिवेट होता है और कैसे होता है वो आपको समझना है। एक छोटा एग्जांपल यहाँ दे रहे हैं, उसी से समझिए आप कि कैसे पता चलता है कि कौन सा हाउस एक्टिवेट हो रहा है। हमने कहा मान लीजिए यहाँ पे कोई ग्रह है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई भी ग्रह आपका बैठा है, मान लिया कोई भी शनि ले लीजिए यहाँ बैठा हुआ है, और उस व्यक्ति के ऊपर शनि की दशा स्टार्ट हुई अंतरदशा, तो वो किस हाउस को एक्टिवेट करेगी? दसवें भाव पहले को। तो गुरु जी 10वें भाव को जी दसवें भाव को एक्टिवेट करेगी। जी दसवा बारवा चौथा एक मिनट सुनिए, पूरी बात सुनिए। अब शनि की तीसरी दृष्टि, शनि की तीसरी दृष्टि कहाँ जाएगी? शनि की तीसरी दृष्टि बारवा 12वें घर पे जाएगी, बारवा 12वें भाव बारहवें भाव में घर जी पे जाएगी। फिर शनि की सातवीं दृष्टि कहाँ जाएगी? चौथे घर पे चौथे भाव जाएगी। में चौथे और शनि की दसवीं दृष्टि कहाँ जाएगी? सप्तम में गुरु जी सप्तम सप्तम में। जी, में गुरु जी तो इतने हाउस तो एक्टिवेट होंगे, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा हाउस कौन सा एक्टिवेट होगा? दसवां। अब जी लेकिन बारवां, बारवां भाव तभी एक्टिवेट होगा जब यहां पर कोई ग्रह ना हो। अगर जी कोई ग्रह यहां पर ऑलरेडी बैठा हुआ, कोई भी ग्रह है मान लीजिए, तो फिर शनि का यहाँ पे दृष्टि तो है, बट वो इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं डाल पाएगा। तो यानी कि जहां पर जैसे मान लीजिए कि शनि की अंतरदशा किसी कुंडली में स्टार्ट हुई और शनि जहां पर बैठे हुए वहां का तो फल सबसे पहले देंगे। फिर अपने जो इनके नैसर्गिक गुण हैं उनका फल देंगे। नैसर्गिक गुण क्या है इनका? अलगाव, आइसोलेट कर देना, एकांत में चले जाना, ज्यादा मेहनत करवाना, है ना? तो ये सब तो पहले ये देंगे। पहले कोई भी ग्रह अपने नैसर्गिक जो भी उसके करेक्टर्स होते हैं पहले उसका फल देगा। और फिर अगर हाउस की बात करें तो किस हाउस का देगा? जहां पर वो बैठा है बैठा है पहले उसकी दृष्टि, जहां पर उसकी दृष्टि है। अब दृष्टि में जरा ध्यान ये देना है कि जैसे मान लीजिए इसकी इनकी दृष्टि 12वें पे जा रही है, चौथे पे जा रही है और सातवें पे जा रही है। अगर मान लीजिए 12वें पे, चौथे पे और सातवें पे कोई ग्रह पहले से ही आपकी कुंडली में है, पहले से कोई भी ग्रह आपकी कुंडली में यहां पर बैठे हुए हैं, तो शनि फिर उस हाउस को ज्यादा एक्टिवेट नहीं करेंगे। तो शनि उस हाउस को ज्यादा एक्टिवेट नहीं कर पाएगा। नहीं करेगा जी, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि केवल आप दृष्टि देख करके मत बोल दीजिए। वो दृष्टि तब ज्यादा कारगर होगी जब वहां पर कोई ग्रह ना बैठा होता। समझ में आई बात नहीं आई? ये चीज और जी गुरु जी यहाँ पर ये चीज आपको और क्लियर करनी है। अब मान लीजिए कि कोई भी ग्रह छठे घर में बैठा है, मान लीजिए कोई भी ग्रह छठे घर में बैठा है, यहां पर बैठा हुआ है, मान लीजिए जी गुरु ही बैठे हुए हैं, गुरु, और गुरु की अंतरदशा स्टार्ट हो गई, तो गुरु पहले अपने नैसर्गिक गुणों का फल देंगे, जो भी उनके नैसर्गिक गुण सबको पता है। फिर वो छठे भाव का फल देंगे और छठे से सीधा दृष्टि उनकी 12वें पे जा रही है, तो छठा भाव किस चीज का है? नौकरी का भी तो है ना, क्या है? जी नौकरी का भी तो है। बिल्कुल तो नौकरी का होने के कारण वो नौकरी व्यक्ति को दिलाएंगे कि छीन लेंगे उससे? जी, 10वें बजाय गुरु 10वें का नहीं मिलेगा गुरु पांचवी दृष्टि 10वें पे भी जाएगी हाँ, वो तो जो अभी दृष्टि वाला कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया वो तो आप लगा ही गुरु लेंगे। जी उनका नैसर्गिक रक्षण तो अच्छा करना है लेकिन उतना अच्छा नहीं नहीं करेंगे नहीं 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 तो गुरु की जो दृष्टि जा रही है वो तो ठीक है, दृष्टि वाला फल आप समझ गए। अब यहाँ पर बात आती है कि गुरु छठे घर में है, तो गुरु छठे घर में है और उनकी दशा स्टार्ट हुई, और मान लीजिए ये जी अब जिस घर के स्वामी है वो भी, उसका भी फर्क पड़ेगा, लेकिन सबसे ज्यादा जी कोई प्लेनेट जहां पर वो बैठा उसका फल देता है। तो अब गुरु छठे का फल दे रहे हैं, तो छठा भाव नौकरी का है, तो नौकरी दिलाएंगे जी कि लेके चले जाएंगे, मतलब छीन लेंगे नौकरी? दिलाएंगे गुरु जी नहीं, छीन लेंगे दिलाएंगे गुरु जी छीन लेंगे गुरु जी लेकिन बारहवा छीन भाव तो छीनने का भी है गुरु लेंगे जी छीन लेंगे। लेकिन ये वहां डिपेंड तो कोई करता ग्रह नहीं होगा तब
अगर अगर बारहवें घर में कोई ग्रह, देखिए बारहवां घर क्या है, बारहवां घर क्या है, छोड़ने का भी तो है जी गुरु जी, बारहवां घर छोड़ने का भी है, तो गुरु की बारहवीं सातवीं दृष्टि बारहवें घर पे जा रही है। और अगर बारहवें घर में कोई ग्रह है तब तो फिर नौकरी में कोई प्रॉब्लम, मतलब छीनेगी नहीं उससे नौकरी। बारहवें घर में कोई ग्रह नहीं है तो नौकरी उसकी जा भी, तो नौकरी उसकी जा भी सकती है। अब इसके लिए क्या करें, इसके लिए ये करें कि भाई वो व्यक्ति ना अपना कहीं परिवर्तन खुद ही कर ले, ट्रांसफर कर ले, क्योंकि बारहवां घाव किस चीज का है, परिवर्तन का है, तो परिवर्तन हो जाए, या अपना कहीं ट्रांसफर करवा ले, या जहां पे उसका निवास स्थान है उसको छोड़ दे, उससे दूर रहेगा तो उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि बारहवां घर तो दूर का है। जो भी अपना माइक ऑफ कर ले, और थोड़ा ध्यान रखा करे कि क्लास में इस प्रकार की गलतियां ना हो। तो ये बात समझ में आ गई ना, तो कोई भी जो ग्रह दशा चलती है वो सबसे ज्यादा फर्क कहाँ डालेगी, जहां पर वो ग्रह बैठे हुए। बाकी और यही एक सिद्धांत नहीं है, बहुत सारे सिद्धांत है। अब ये तो एक इफेक्ट हुआ, अब इस पे जरा देखिए गोचर का कैसे फर्क पड़ता। तो इसमें भाव सिद्धि काल, कब कोई भी भाव एक्टिवेट होगा उसको गोचर से पहचानना है। तो इसमें पहला नियम लिख लीजिए कि भावेश भावेश जिस राशि और अंश में हो उससे त्रिकोण में, भावेश जिस राशि और अंश में हो उससे त्रिकोण में जी, एक मिनट हाँ जी, हम ये बोल रहे थे कि कोई भी भाव कब एक्टिवेट होगा तो उसके लिए एक सिद्धांत है, और वो सिद्धांत क्या है, भावेश जिस राशि में है और अंश पे है उससे त्रिकोण में गोचरवत जब लग्नेश आ जाए, लग्नेश उस त्रिकोण पर आ जाए, भावेश जिस राशि और अंश में हो उससे त्रिकोण में गोचरवत जब लग्नेश आ जावे तो वो भाव एक्टिवेट हो। अब ये तो अगर आप ऐसे लगाएंगे तो कभी समझ में नहीं आएगा। तो अब देखिए इसको हम समझाते हैं, इस नियम को ऐसे कई सारे लग्नेश आ जाए, हाँ जी लग्नेश आ जाए तो अब तो ऐसे तो कभी समझ में नहीं आएगा। अब हम इसका उल्टा कर देते हैं। उल्टा करने का मतलब क्या हुआ गुरुजी, त्रिकोण में गोचर का पूरा बता दीजिए गुरुजी। जिस राशि और अंश में हो उससे त्रिकोण में गोचर वश जब लग्नेश आता है तो वो भाव को एक्टिवेट करता है।
गोचर वश का गुरु जी मतलब गोचर का लग्नेश आ जाए, नहीं नहीं त्रिकोण हाँ गोचर में लग्नेश जब उस भाव से त्रिकोण में आ जाए जी गुरु जी, तब गोचर में जब लग्नेश उससे त्रिकोण में आ जाए तो अब देखिए जरा इसका उल्टा हम करते हैं, क्योंकि ऐसे तो हम लोग कभी समझ ही नहीं पाएंगे ना इसको, तो इस नियम को जी इसका उल्टा करते हैं, इसके उल्टे को जरा समझते हैं हम लोग। देखिए अभी गोचर वश मान लिया, अब जैसे देखिए किसी का मान लीजिए कर्क लग्न है, उसके लिए तो बड़ी समस्या है, क्यों? क्योंकि चंद्रमा तो हर ढाई दिन में सवा दो दिन में बदल रहे हैं, तो उसको तो सारे भाव का फल दे देंगे। मान लीजिए कोई लेट मूविंग प्लैनेट है, कोई लेट मूविंग प्लैनेट ले लीजिए, अब तो अब मान लीजिए किसी का कर्क लग्न है तो उसको लेना ही पड़ेगा लग्नेश चंद्रमा, तो मजबूर है बेचारा, लेकिन उसके लिए दो दिन बाद फिर बात बदल जाएगी। अब मान लीजिए कोई ऐसा प्लेनेट है जो कम से कम एक डेढ़ महीना रुक रहा है, मान लीजिए लग्नेश सूर्य हो गया शुक्र हो गया, फिर भी वो थोड़ा रुकेगा, मंगल है 45 दिन तक रुकेंगे, शनि है तो 2.5 साल तक रुकेंगे, फिर गुरु जी उसका फायदा भी तो है, जल्दी जल्दी आएंगे वो, अब फायदा भी है नुकसान भी है दोनों है, जल्दी जल्दी नुकसान होगा, हाँ जल्दी 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 त्रिकोण में आएगा घूमता फिरता वो, हाँ तो जल्दी बदलता भी रहेगा ना भाई, दशा भी तो इम्पोर्टेंट है, अब ऐसा थोड़ी भाव एक्टिवेट हो गया भाव के अनुसार दशा है ही नहीं, तो फिर तो तब थोड़ी ना उतना फल मिलता है, दशा तो बहुत इम्पोर्टेंट है ना, तभी तो पहले दशा ही देखा जाता है, दशा अगर अच्छी चल रही है तो बताया जाता है कि दशा अच्छी चल रही है तो कहाँ का फल मिलेगा, तो एक तरीका वो मैंने बताया, जहाँ पे ग्रह बैठा हो, जहाँ पे ग्रह बैठा हो जहाँ देख रहा हो, लेकिन देखने में क्या है कि वहां पे कोई ग्रह ना हो, कोई ग्रह ना होना चाहिए, लेकिन अब उसके अलावा क्या वही भाव एक्टिवेट होगा? नहीं, दूसरा भाव भी एक्टिवेट होगा। आप देखते हैं कभी कभी अच्छी दशा भी चलती फिर भी कभी कभी इन्हीं चीजों का नुकसान हो जाता है, तो वो कैसे निकालेंगे उसका भी सूत्र है बताएंगे, लेकिन अगर दशा अच्छी चल रही है तो जो नुकसान वाला पार्ट है वो कम होगा, फायदे वाला ज्यादा होगा, और अगर बुरी दशा चल रही है तो फायदे वाला पार्ट कम होगा और नुकसान वाला पार्ट नुकसान वाला ज्यादा होगा, जी होगा दोनों, ठीक है। तो कैसे ये निकाला जाता है, ये एक सूत्र तो मैंने बताया लेकिन ये सूत्र ऐसे लगेगा नहीं, तो हमने इसको उल्टा कर लिया। उल्टा करने का मतलब क्या कर लिया, अब देखिए सूत्र क्या कहता है कि भावे जिस राशि और अंश में उससे त्रिकोण में गोचर वर्ष जब लग्नेश आ जाए, तो हमने ये देख लिया कि लग्नेश कौन है कुंडली का, चलिए कोई भी कुंडली ले लेते, चलिए भाई किसी की मीन या धनु लग्न की कुंडली है, चलो गुरु को ले लेते हैं, क्योंकि एक साल तक तो बात लगे ना कम से कम, जी गुरु जी जी धनु लग्न की कुंडली है, चलिए तो धनु लग्न की कुंडली है तो यानी कि लग्नेश कौन हो गए उसके, गुरु गुरु हो गए, गुरु हो गए गुरु जी, जिसकी है वो बताएगा खुद ही बताएगा। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम धनु लग्न की कुंडली को ड्रॉ करते हैं, चलिए ड्रॉ करते हैं, तो 9 नंबर यहाँ लिख दिया हमने, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है ये मैंने लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब बताइए जो इस कुंडली का लग्नेश वो कौन है, धनु वो सर बृहस्पति, बृहस्पति सर बृहस्पति हो गया ना गुरु जी, अब बृहस्पति हो गया जिसकी कुंडली वो बोलेगा, तो गुरु मतलब गुरु बृहस्पति हो गए लग्नेश। अब ये गुरु इस वक्त गोचर में कहाँ चल रहे हैं, लग्नेश कहाँ चल रहे हैं गोचर में, मीन में, हाँ चलिए मीन में चल रहे, तो गुरु देखिए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं ना, गुरु को हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ये गुरु कौन सा है, ये गुरु गोचर वाले गुरु हैं, हम कलर चेंज करके लिख दे रहे हैं, गुरु जी स्क्रीन नहीं दिख रही है, गोचर वाले हैं ये, गोचर का है, स्क्रीन नहीं दिख रही, ये गोचर का है, ट्रांजिट करती लिख दिया हमने, मतलब ये जन्म कुंडली का गुरु नहीं है। अब यहाँ पे देखिए इन गुरु से त्रिकोण में
इस गुरु से त्रिकोण में कौन कौन से भाव आएंगे बताइए। त्रिकोण तीन और तीन और छठा गुरु जी छठा दो या, जी गुरु जी छठा चौथा सॉरी छठा छठा आठवां त्रिकोण ओहो छठा आठवां और बारहवां गुरु जी आठवां यहाँ से गुरु से पहले बताइए त्रिकोण भाव कौन से हैं। चौथी राशि होगी और सातवीं राशि होगी। हाँ एक मिनट, पांचवा और नवा। अब देखिए गुरु से पांचवा भाव कौन सा हो गया? अष्टम। अष्टम अष्टम गुरु जी। अब जिसकी कुंडली है वो बताए क्या उसके अष्टम में कोई ग्रह बैठे? पहले हम यहाँ पे टिक कर लेते हैं ना। नहीं बैठे गुरु जी। वो कोई बात नहीं, एक यहाँ पे अष्टम हो गया और नवा कहाँ से हो जाएगा? सात आठ नौ ये हो जाएगा। तो कुंडली है उसमें क्या यहाँ अष्टम में कोई ग्रह बैठा है जन्म कुंडली में? नहीं बैठा गुरु जी। नहीं बैठा, कोई बात नहीं। बारहवें घर में कोई ग्रह बैठा है जन्म कुंडली? जी जी नहीं, नहीं बैठा है। तो अब उसके लिए क्या फल मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। अभी चलिए किसी किसी और की कुंडली है जिसमें मतलब क्योंकि गुरु मीन में चल रहे हैं तो धनु लग्न की बात हो रही है। मेरी है गुरुजी। है मेरी कुंडली है गुरुजी। ठीक है, तो आपकी कुंडली में आठवें भाव में कुंभ ग्रह बैठा है। भाई आप लोग जो भी जिससे बात हो केवल अपना वही माइक ओपन करे, बाकी सब बंद कर। अब जिससे बात हो रही वो भी ऐसी जगह बैठे जहां आवाज वाज ना हो। अब ये मुझे बताइए अभी किसने कहा मेरी है, तो वो कहाँ चला गया जिसने कहा मेरी है? तो उसके आठवें बैठा गुरु जी, चंद्रमा बैठा आठवें में। चंद्रमा, चंद्रमा बैठा हुआ आपके, यानी ये जन्म कुंडली का चंद्रमा हुआ ना आपके? हाँ गुरु जी। जन्म कुंडली का चंद्रमा यहाँ पर बैठा हुआ है और यहाँ पे बारहवें घर में कोई ग्रह बैठे हैं? नहीं गुरुजी, नहीं है गुरुजी। अब जरा क्या कॉन्सेप्ट क्या था? भावेश जिस राशि और अंश में हो उससे त्रिकोण में गोचर वश जब लग्नेश आ जाए, तो हमने उल्टा कर लिया। हमने गोचर के लग्नेश को देख लिया कहाँ पे चल रहे हैं, तो गोचर के लग्नेश हमारे यहाँ पे चल रहे हैं चौथे में, और इससे त्रिकोण में, इससे त्रिकोण में कहाँ पे घर हो गया आपका आठवां भाव और नवा भाव हो गया, नवा घर हो गया बारहवां भाव। अब बारहवें में तो कोई ग्रह नहीं बैठे हुए, कोई ग्रह नहीं गुरु जी। अब यानी कि अब आठवें में कौन सा ग्रह बैठा है? चंद्रमा। अब ये चंद्रमा किस भाव के स्वामी है? अपनी आवाज बंद कर लीजिए, अपना माइक बंद कर लीजिए भाइयों। आप लोग अपना माइक बंद कर लीजिए, जिससे बात हो रही है वो एक एकदम एकांत में आके बात करे। हाँ अब बताइए जो चंद्रमा है तो चंद्रमा किस भाव का स्वामी है? आठवें भाव का गुरु जी। आठवें भाव का स्वामी है जी गुरु जी। तो यानी कि इनके इस समय आठवां भाव एक्टिवेट हुआ पड़ा, इनके इस समय आठवां भाव एक्टिवेट हुआ पड़ा है जी गुरु जी। अब आठवां भाव एक्टिवेट, तो आठवें भाव से शुभ फल देख रहे हैं हम लोग भाव सिद्धि काल पढ़ रहे हैं। हम लोग अभी ये नहीं देख रहे हैं कि हमें नुकसान हो रहा है, हम लोग जो आज पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं भाव सिद्धि काल, यानी वो भाव से अच्छी चीजें हमको कब मिलेंगी। अब देखिए जरा, तो हम लोग ये कह रहे हैं कि आठवां भाव एक्टिवेट हो गया इनका, और आज पढ़ क्या रहे हैं? भाव सिद्धि काल पढ़ रहे हैं इस वक्त हम लोग, यानी भाव से संबंधित चीजें हमको मिलेंगी। तो भाव एक्टिवेट हुआ आठवां, अब आठवें भाव आपका एक्टिवेट। अब बताइए दशा किस चीज की चल रही है? शनि का अंतर सर, बुध की महादशा शनि का अंतर है गुरु जी। बुध की महादशा में शनि का अंतर है। हाँ गुरु जी। शनि की अंतर दशा आप पे चल रही है जी गुरु जी। और शनि आपकी कुंडली में कहाँ पर बैठे हुए? लग्न में बैठे हुआ गुरु जी। लग्न में बैठे हुए शनि, लग्न में बैठे हुए। और इससे पहले गुरुजी आपने बताया था ना छठे भाव में गुरु का अंतर, वो भी मेरे ऊपर परफेक्ट बैठता है। मेरी नौकरी छूट गई थी उस टाइम,
अच्छा अच्छा हाँ, मेरे छठे भाव में गुरु है, नौकरी भी छूट गई थी और कोर्ट केस भी हो गया था गुरुजी, आपसे मैंने कुंडली का फलादेश भी लिया है। अच्छा हाँ गुरुजी, तो देखिए शनि आपके लग्न में बैठे हुए। हाँ गुरुजी, यंत्र लग्न में बैठे हुए हैं और शनि की लॉर्डशिप सेकंड हाउस की और थर्ड हाउस की है, शनि के अंतर चल रहा है। हमारी आवाज आ रही है सबको? हमारी आवाज आ रही नहीं आ रही? हाँ, तो अब देखिए आपका जो आठवां भाव एक्टिवेट हुआ पड़ा है, तो आपका जो आठवां भाव एक्टिवेट है, एक तो आठवां भाव एक्टिवेट हुआ, दूसरा कि जो दशा चल रही है वो आप पर शनि की चल रही है, शनि आपके थर्ड और सेकंड हाउस के लॉर्ड है और लग्न में शनि बैठे हैं, तो लग्न में शनि बैठे हुए हैं, तो पहले ये बताइए कि कोई आपको हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है? हेल्थ से रिलेटेड नहीं, हेल्थ से रिलेटेड तो नहीं है गुरुजी कोई। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, अभी देखते चलते हम लोग। देखिए हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम, अब शनि की तीसरी दृष्टि अपने घर में चली गई, तो थर्ड हाउस में कोई आपके ग्रह बैठे हुए हैं? सूर्य और राहु बैठा हुआ गुरुजी। ठीक है, छोड़ देते हैं उसको। अब यहाँ पे सातवें में कोई ग्रह बैठे हुए हैं? नहीं गुरुजी कोई नहीं है। नहीं बैठे हुए, ये ज्यादा इफेक्ट अब पड़ जाएगा सातवें पे। जी गुरुजी। दसवें पे कोई ग्रह बैठे हुए? नहीं है गुरुजी, कोई नहीं है गुरुजी। तो यानी यहाँ शनि का इफेक्ट दसवें पे भी पड़ेगा। जी गुरुजी। ठीक है, अब देखिए तो शनि का इफेक्ट दसवें पे पड़ेगा और सातवें पे पड़ेगा, और आपका कौन सा भाव एक्टिवेट हुआ पड़ा? आठवां भाव एक्टिवेट हुआ पड़ा। आठवां भाव तो कष्टों का ही है। हाँ गुरुजी। आठवां भाव किस चीज का है? कष्ट का है। कष्ट का ही गुरुजी। हाँ कष्ट का है, तो आपको सातवें हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है इस वक्त, और जॉब। हाँ गुरुजी, फैमिली से दूर, फैमिली से दूर, फैमिली से दूर है। ठीक है, क्योंकि शनि हाँ गुरुजी नैसर्गिक फल दे रहा आपको। शनि का नैसर्गिक फल क्या है? शनि का अलगाव करना, तो किससे अलगाव? सातवें भाव से अलगाव उसने कर दिया। जी गुरुजी। दसवें भाव, तो यानी अब जब ये दसवें भाव पर भी इफेक्ट दे रहा है, तो दसवें भाव पे शनि के अंतर में, हाँ गुरुजी, शनि के अंतर में मुझे गवर्नमेंट जॉब मिली भी है गुरुजी। हाँ बता रहे कैसे? गुरु में छूट। तो ये जो शनि है यहाँ पर, अब ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? भाव सिद्धि काल पढ़ रहे हैं ना? जी गुरुजी। भाव सिद्धि काल का मतलब हो रहा है कि आपको यहाँ से संबंधित अच्छे फल की प्राप्ति होगी। अभी हम लोग भाव नाश नहीं पढ़ रहे हैं, अभी जब भाव नाश पढ़ेंगे तब हम आपको बताएंगे कि वहां पे किस प्रकार से भाव का नाश होता है। ये पढ़ रहे हैं भाव सिद्धि काल। तो आठवें भाव में अच्छी चीजें क्या है? अचानक कोई घटना आपके साथ अच्छी घटेगी, क्योंकि आठवां भाव क्या है? आठवां भाव अचानक का है, सडन का है। जी गुरुजी। अचानक कोई भी अच्छी घटना घटेगी। अब किससे रिलेटेड घटेगी? दसवें भाव से रिलेटेड घटेगी, क्योंकि सातवें भाव से रिलेटेड तो कोई घटना नहीं घटने वाली, तो दसवें भाव से रिलेटेड कोई अच्छी घटना आपके साथ घटेगी। तो आपने कहा कि आपको जो जॉब मिली होगी, जो शनि के अंतर दशा में जो चल रहा है, और आठवां भाव एक्टिवेट पड़ा आपका, तो ऑब्वियस है कि जो जॉब मिली अचानक मिल गई होगी। हाँ गुरुजी, वैसे एग्जाम वगैरह तो हुआ था लेकिन लग नहीं रहा था कि मिल जाएगी मुझे गुरुजी। अचानक मिल गई होगी। अच्छा ये जॉब मिली कब है आपको? ये गुरुजी फरवरी 2021, जनवरी 2021 में, मार्च 2021 गुरुजी। तो अब मार्च, हाँ वो तो खैर ठीक है, शनि ने आपको वो दे दिया, दसवें भाव में दे दिया। अब जो ये अभी अभी ये गुरु कब आए? गुरु अभी थोड़ी ना, पहले थोड़ी ना आए थे ये? नहीं पहले नहीं थे गुरुजी। हाँ ये गुरु जो अभी आए हैं मार्च अप्रैल से आए शायद, है ना? 13 अप्रैल से तो 13 अप्रैल के आने के बाद इन्होंने आपका आठवां भाव एक्टिवेट किया हुआ है, तो 13वां आठवां भाव एक्टिवेट हुआ है, तो आपको जो है क्या नाम है, ससुराल से पैसा मिल सकता है कहीं से, क्योंकि एयर्थ हाउस तो ससुराल का पैसा भी तो है, तो ससुराल से पैसा मिल सकता है, और वहां से आपको कोई सहायता मिल सकती है, अचानक कोई चीजें आपको मिल सकती है, ज्योतिष से संबंधित आपको ज्ञान मिल सकता है जो कि आप ले रहे हैं। हाँ, ले रहे हैं गुरुजी। तो आठवां भाव आपका एक्टिवेट हुआ पड़ा, ये भाव सिद्धि काल है। लेकिन देखिए आठवां भाव तो आठवां भाव ही है, यानी वो समस्या देगा। अब समस्या कहाँ आपको मिलेगी? एक तो शनि जहाँ बैठे हैं लग्न में,
तो आपको हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है, अभी वो देखना पड़ेगा कब होगी बता देंगे। और दसवां भाव है तो आपको अभी जॉब में थोड़ा सतर्क भी रहना पड़ेगा, क्योंकि आठवां भाव अभी अप्रैल से एक्टिवेट हुआ है, तो अप्रैल से एक्टिवेट हुआ आठवां भाव तो ऑटोमेटिक कुछ ना कुछ ये समस्या देगा। और अगर ये ऐसा भी हो सकता है कि अगर अच्छा फल यहाँ पे देगा तो आपका ट्रांसफर करवा सकता है, ठीक है। हाँ, तो ये ट्रांसफर के लिए अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो ये आठवां भाव एक्टिवेट हुआ पड़ा है, तो यहाँ ट्रांसफर को आपको सफलता दे सकता है, ठीक है। गुरुजी एक सवाल पूछना है, गुरुजी आप जरा एक चीज देखिए, शनि गुरु और तो यहाँ तो खैर मिलने वाली नहीं अभी, तो ये देखिए शनि गुरु के में आ रहे हैं। हाँ पूछे पूछे सवाल पूछिए आप। गुरुजी अष्टम भाव जो एक्टिव हुआ है वो अरे एक मिनट रुकिए ना, एक और बता, एक इन्होंने देखिए खुद ही एडमिट किया और हम लोगों ने उसको पकड़ लिया। जरा आप मुझे बताइए शनि की दशा आपके कब से स्टार्ट हुई है? ये सर 2021 के लगभग ही स्टार्ट हुई थी सर। 2021 में स्टार्ट हुई। अब जरा मुझे कोई बताएगा कि 2021 में बृहस्पति किस राशि में चल रहे थे? गोचर में बृहस्पति किस राशि में थे? कुंभ में थे गुरुजी, कुंभ में। जरा कुछ आप लोग दिमाग लगा पा रहे हैं कि इनको ये अच्छे फल क्यों मिले? अभी कल मैंने बताया था कि जिस ग्रह की दशा चले गोचर में, अगर बृहस्पति या सूर्य उसकी उच्च राशि में आ जाए, शनि की उच्च राशि में आ जाए, त्रिकोण राशि में आ जाए, शनि या स्वराशि में आ जाए या मित्र राशि में आ जाए, तो वह दशा अच्छा फल कर देगी। तो देखिए अब ये दशा इनकी शनि की स्टार्ट हुई और शनि की इनकी नजर दसवें पर थी, और 2021 में, 2021 में गुरु कहाँ थे? गुरु थे कुंभ राशि में, त्रिकोण राशि थी। कल वाला फार्मूला याद आ रहा है? इनको इनको 2021 में जो है इनको जॉब मिल गई, क्या गलत हुआ इनके साथ? यानी कि कल वाला फार्मूला एकदम सही लग गया कि नहीं लग गया? बिल्कुल गुरुजी, देखिए आपके और गुरु के अंतर में, गुरु के अंतर में जॉब छूट गई थी गुरुजी। हाँ वो तो फिर निकालना पड़ेगा अभी भाव, वो छठे भाव में, मेरे छठे भाव में गुरु है गुरुजी। हाँ छठे भाव में कोर्ट केस भी, हाँ फरवरी 2018 में आए थे, कोर्ट केस भी हो गया उस टाइम और जॉब भी छूट गई थी गुरुजी। इसीलिए क्योंकि गुरु आपके बारे में कोई ग्रह है नहीं, तो गुरु की दृष्टि पड़ गई यहाँ पे, उसने छोड़ दी। वही तो बोल रहे गुरु जॉब करेगा कि छोड़वाएगा, तो ये डिपेंड करता है शनि का अंतर तो काफी। अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया ना कि इनको जॉब क्यों मिली, क्योंकि कल मैंने जो फार्मूला आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था वो यही पढ़ाया था कि चलने वाली दशा की उच्च राशि, स्वराशि, त्रिकोण राशि में गुरु का गोचर हो जाए, सूर्य का गोचर हो जाए, ऑटोमेटिक इनको फल अच्छा मिल जाएगा। तो देखिए मिल गया इनको। अब इनका भाव आठवां एक्टिवेट हुआ पड़ा, आठवां भाव अभी ये भाव सिद्धि काल है, तो बुरे फल इनको कम मिलेंगे, अच्छे फल इनको ज्यादा मिलेंगे इस वक्त, लेकिन आठवें भाव से संबंधित इनको फल मिलेगा। और आठवें भाव संबंधित इन्होंने अपना खुद ही यूज कर रखा है, क्या यूज कर रखा? ज्योतिष पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ते तो आठवां भाव इनको फिर अपने ला के ये देता, क्या देता? वो तो खराबी चीज ला के देता ग्रह। तो आठवां ये जब तक ज्योतिष पढ़ते रहेंगे, गुरु का ये ट्रांजिट चल रहा है, तब तक इनके ऊपर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन जिस दिन से ये ज्योतिष छोड़ेंगे, आठवें भाव से रिलेटेड इनको समस्या आ जाएगी, क्योंकि शनि लग्न में बैठे हुए हैं, तो हेल्थ प्रॉब्लम पक्का करवा देंगे। और वो हेल्थ प्रॉब्लम इतनी सीवियर हो सकती है कि आठवां भाव एक्टिवेट है और आठवां भाव सर्जरी का भी होता है, तो सर्जरी भी करवा सकता है। लेकिन अगर ये ज्योतिष पढ़ते रहेंगे तो ये सब चीजें कम होंगी, ज्यादा नहीं होंगी। मैं खुद एक डॉक्टर हूँ इसलिए उसका बेनिफिट मिलेगा, इसलिए हेल्थ प्रॉब्लम ना हो। हाँ ठीक है, वो बेनिफिट मिलेगा, लेकिन क्या डॉक्टर की सर्जरी नहीं होती क्या? हाँ वो है। हाँ जी ठीक है, समझ में आ गया। अब कोई क्वेश्चन पूछ रहा था? आप पूछ रहे, क्या पूछ रहा? जी गुरु जी हम पूछ रहे थे, जैसे यहाँ पे चंद्रमा अष्टम भाव से एक्टिव किए हैं, तो अष्टम भाव के वो भावेश हैं इसलिए, या दूसरे जगह कहूंगे तो दूसरे जगह एक्टिव करेंगे? नहीं नहीं एकदम सही बोल रहे हैं, चंद्रमा हमने बोला भावेश जिसमें बैठा है वो भाव एक्टिवेट होगा। तो चूंकि इनके अच्छा क्या हुआ कि चंद्रमा अष्टम भाव का स्वामी है, तो अष्टम भाव एक्टिवेट हुआ।
अब मान लीजिए चंद्रमा यहाँ बैठा होता, दूसरे जगह को होते, हाँ चंद्रमा यहाँ बैठे होते, कोई दूसरे ग्रह यहाँ होते, तो वह ग्रह जिस भाव का स्वामी होता वो भाव एक्टिवेट होता जी। बात समझ में आ गई नहीं आ गई जी? जी जी। अब कोई ग्रह ना हो तो, अब कोई ग्रह नहीं हो तो वो वाला कोई भाव एक्टिवेट नहीं होगा इस सिद्धांत के अनुसार, तो दूसरा सिद्धांत लगेगा। दूसरा सिद्धांत पढ़ाने पहले ये सिद्धांत सबको समझ में आ गया? हमने इस फार्मूले को ना उल्टा कर लिया, उल्टा करके अब ऐसे हर भाव को तो हम नहीं देख पाएंगे कि कौन सा एक्टिवेट हो रहा है। तो हम क्या कर ले रहे हैं कि हम जो किसी भी कुंडली का जो लग्नेश है, आप लोग अपनी अपनी कुंडली में लगा के देखिए ये फार्मूला, आपकी कुंडली का जो भी लग्नेश है वह गोचर में जहां चल रहा है उसको आप बैठा लीजिए, और बैठा लीजिए उससे त्रिकोण में। एक और एग्जाम्पल देते हैं, एक और एग्जाम्पल देते हैं। अब ये बताइए इस वक्त चलिए सिंह लग्न ले लेते हैं, क्योंकि सूर्य 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 कहाँ चल रहे हैं सब बताइए गोचर में? वृष राशि में चल रहा है। सिंह लग्न किसी की कुंडली है? हाँ मेरा है ना गुरुजी। ठीक है चलिए बात करते हैं आपकी कुंडली में, आपकी है तो बात करते हैं। बंद कर लो भाई माइक बंद कर लो। चलिए सिंह लग्न पे आ जाते हैं हम लोग, सिंह लग्न बनाते हैं। तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3। तो देखिए सूर्य यहां पे चल रहे हैं गोचर के, इस वक्त गोचर के सूर्य यहां चल रहे हैं ना ट्रांजिट। अब यहां से त्रिकोण यानी पांचवा भाव कौन सा भाव हो जाएगा यहां से पांचवा? दूसरा भाव गुरु जी, दूसरा भाव। तो बताइए जिसकी कुंडली उसके दूसरे भाव में कोई ग्रह है? दूसरे भाव में कोई ग्रह नहीं है गुरु जी। ठीक है कोई बात नहीं, तो हटा देते हैं यहाँ पर। चलिए नवा भाव कौन सा हो जाएगा? छठे में कोई ग्रह है? नहीं है गुरु जी, नहीं है। तो फिर कोई भाव एक्टिवेट ही नहीं हुआ अभी गुरु जी? मेरे में है। आपके लग्न बताइए, सिंह लग्न है पहले जी? हाँ ठीक, चलिए बात करते हैं। अब बताइए तो सिंह लग्न का लग्नेश कौन हुआ? सूर्य हुआ। ऐसे सब लोग अपनी कुंडली में लगा लगा के देखेंगे ये बात। सिंह लग्न का लग्नेश सूर्य हुआ, और सूर्य से त्रिकोण आ गया दूसरा भाव। दूसरे भाव में कोई ग्रह है आपके? नहीं है गुरु जी। नहीं है, कोई बात नहीं। चलिए तो दूसरा त्रिकोण आ जाएगा नवा भाव, तो नवा यानी छठा भाव। छठे भाव में कोई ग्रह है आपके? जी गुरु जी। कौन से? सूर्य और बुध। अच्छा सूर्य और बुध है, ठीक है सूर्य और बुध है जी। अब जरा ये मुझे देख के बताइए सूर्य की डिग्री कितनी है? अब वो तो खैर बहुत माइन्यूट बात हो गई, चलेंगे वो भी देख लेंगे बाद में। अब यहाँ पे देखिए तो सूर्य किस भाव के स्वामी हो गए? लग्न के जी। सूर्य लग्न के स्वामी हो गए, यानी यहाँ पे नवे भाव में सूर्य और बुध बैठे हैं। तो सूर्य और बुध जिस भाव की लॉर्डशिप होगी वो भाव एक्टिवेट हो गया आपका। तो आपका अभी कौन सा भाव एक्टिवेट हुआ? लग्न भाव एक्टिवेट हुआ। और कौन सा भाव एक्टिवेट हुआ? ग्यारहवां भाव एक्टिवेट हुआ, और दूसरा भाव एक्टिवेट हुआ। तो अगर बुध की बात समझे तो बुध का आपके पर लाभ, पैसे का प्रॉफिट कहीं से हो रहा है आपको? अभी तो कहीं से नहीं हो रहा है गुरु जी। अभी कहीं से नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। तो जरूर थोड़ा पैसा ही। दूसरा भाव और कौन था? परिवार, फैमिली में कुछ बेनिफिट। सेकंड हाउस क्या? फाइनेंस है जी। फैमिली है नहीं, पहले काम हम लोग देखिए आधी चीज कर रहे हैं ना, इसीलिए गड़बड़। अब पहले ये बताइए दशा किस चीज की चल रही है, तब समझेंगे ना जी।
दशा किस चीज की चल रही है? शुक्र क्या? शुक्र की अंतर दशा जी, ठीक है तो फिर शुक्र लेना पड़ेगा। अब शुक्र देखिए कहाँ के लॉर्ड है, थर्ड के और टेंथ के लॉर्ड है, और शुक्र शुक्र भाव मध्य के पास है कि भाव शून्य के पास है? शुक्र गुरु जी तीसरे स्थान में है। नहीं वो तो तीसरे स्थान में तो समझ गए, लेकिन वो उनकी डिग्री भाव मध्य के आसपास है। भाव मध्य कितना है आपका? लगन की डिग्री कितनी है? लगन की डिग्री, लगन की डिग्री बताइए कितनी है, वही भाव मध्य होगा। 3.22 3.22 ठीक है। और शुक्र की डिग्री कितनी आ रही है? 21 तो कहां से फल मिलेगा? क्यों जरा भाव शून्य इनका कितना हुआ बताइए, 15 जोड़े कि 15 घटाएं? ये तो भाव पड़ेगा जी, जोड़ेंगे गुरु जी, जोड़ेंगे जाएगा, जोड़ना पड़ेगा गुरु जी। हां तो भाव, अरे यार ये बार बार यही चीज हो रहा है, क्या मतलब 18-21 तो है क्या भाव घटाना पड़ेगा? भाव शून्य तो भाव घटाएंगे कि जोड़ेंगे? घटाएंगे क्या है भाई, जोड़ेंगे जोड़ दीजिए तो 15-3 18 18-22 हो गया। और शुक्र देखिए 21 डिग्री पर बैठा है, तो जो शुक्र है तो वो तो भाव शून्य के पास बैठे हुए है ना जी गुरु जी। तो मैंने आपको कई बार बताया, क्या बताया कि गोचर चाहे जितना बढ़िया हो, गोचर का फल दशाओं पर निर्भर करता है। अब इनके ऊपर जो शुक्र है कितनी अच्छी स्थिति में है, थर्ड हाउस में स्वराशिष्ट होके बैठा हुआ है, दसवें भाव का स्वामी है, और जो अभी लग्नेश जो है वो खुद ही यहाँ पे 10th हाउस में बैठे हुए हैं, और वहां से अगर देखा जाए तो इनका कौन सा भाव एक्टिवेट हुआ है? 2nd हाउस एक्टिवेट हुआ और 11th हाउस एक्टिवेट हुआ। तो 2nd हाउस फाइनेंस का है और 11th हाउस गेम का है, यानी यही दशा अगर कहीं भाव मध्य के आसपास होती तो इनको इस वक्त अच्छा खासा पैसे की कमाई हो रही होती। जबकि तो अकेले अगर आप गोचर लगाएंगे तो भी गलत हो जाएगा, यही मैं बार बार देखिए यहाँ दिख गया हम लोग को, गलती हम ही लोगों से होती और हम लोग कह देते ज्योतिष का फार्मूला फिट नहीं हो रहा। सबसे पहले एनालिसिस करनी चाहिए। तो चूंकि इनके ऊपर जो शुक्र है वो भाव शून्य के पास आ गया कि नहीं आ गया, 21 डिग्री का है, ये पहले सबको समझ में आए कि कैसे भाव शून्य के पास आया। और कल मैंने इसमें बहुत लंबा लेक्चर दिया था कि कोई भी देखिए बहुत फिट हो रहा है यहाँ पर। कैसे? हमने कहा था कि कोई भी ग्रह चाहे वह जितना भी शुभ हो, उच्च का हो, स्वराशिष्ट हो, मूल त्रिकोण राशि में हो, बिंशोपक बल में बहुत मजबूत हो, षड बल में बहुत मजबूत हो, लेकिन अगर भाव संधि पर यानी भाव शून्य पर बैठेगा तो वो फल बिल्कुल नहीं देगा। कल बोला था ना मैंने, बोला नहीं बोला था जी, बोला जी, जी, जी बोला था। अब अगर हम लोग को ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होता तो हम कहते वाह शुक्र की दशा आ गई और शुक्र आपका दशमेश और अपने घर में बैठा हुआ है इस वक्त, तो आपका प्रोफेशन अच्छा चलेगा। अब इनसे पूछिए जरा प्रोफेशन में क्या इनको कोई गेन प्रॉफिट दिख रहा है आपको अभी? सर अभी कुछ नहीं दिख रहा है गुरु जी। आपको आंसर मिल गया भाई, सब लोगों को नहीं मिल गया इनका? जी गुरु जी जी। और आप लोग को समझते देर नहीं लगनी चाहिए क्यों नहीं मिल रहा है? कल आप लोगों ने क्लास ली थी, कल आप लोगों ने क्लास करी थी लास्ट क्लास, और इससे आपको आंसर मिल गया क्यों नहीं मिल रहा है? अब यही अगर हम लोगों को ये कॉन्सेप्ट ना पता होता तो हम लोग भी आप सोच में पड़ जाते हैं ऐसा क्यों। अच्छा देखिए गोचर भी जरा कितना अच्छा लगा हुआ है। गोचर में इनका बुध को अगर हम लोग पकड़े तो बुध को पकड़े तो 11वां भाव और दूसरा भाव एक्टिवेट है। जी गुरु जी गोचर तभी फिट होगा जब दशाएं फेवरेबल हो। तो क्या दशा इनकी अनफेवरेबल है? नहीं, इनकी जो चलने वाली दशा है वो भाव शून्य के पास चली गई तो इनको शुक्र में अब इससे बढ़िया तो एक्टिवेट का समय आ ही नहीं पाएगा, लेकिन अब चूंकि आया है तो ये इनके ऊपर फार्मूला फिट नहीं बैठ रहा है। क्यों नहीं बैठ रहा है? क्योंकि चलने वाली जो शुक्र की अंतर दशा है वह भाव शून्य के पास है, तो इनको इसका फल शून्य ही दिखाई देगा। अगर ऐसा गुरु जी के पास ना होता तो चलने वाला गोचर इनके लिए बहुत अच्छा था, दशा अच्छी थी, बट कोई अच्छा इफेक्ट नहीं मिलेगा। सबको ये समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? नहीं आ रहा है जी गुरु जी? जी गुरु जी आ रहा है। लेकिन गुरु जी तो हाँ, जब तक
जब तक इनको शुक्र की अंतर दशा चलेगी तब तक कोई फायदा नहीं होगा किसी भी प्रकार। जैसे नहीं देखिए फायदा नुकसान का मतलब समझ लीजिए, भाव शून्य का मतलब है कि जैसा चलना वैसा चलेगा, यानी कि जो दशा चलने वाली थी आप, अच्छा आप मान लीजिए आपको भाव शून्य का कॉन्सेप्ट नहीं पता, अब आप क्या कहेंगे कि दशमेश की दशा है और अपने घर में बैठा हुआ है, यही बोलेंगे आप? जी गुरु जी। तो ये दशा और तीसरे हाउस में बैठा, इस वक्त इनको कर्मठी होना चाहिए था, शुक्र की दृष्टि देखिए कहाँ जा रही है, नवे घर में जा रही है। अच्छा नवे घर में कोई ग्रह आपके बैठे हैं क्या? जी गुरु जी। कौन बैठे हैं? केतु बैठे। चलिए कोई बात नहीं, केतु बैठे, अब यहाँ राहु हो जाएंगे। अब यहाँ देखिए जो इनकी शुक्र की दशा चल रही है, अब शुक्र की दशा अच्छी है इनके ऊपर, मतलब अच्छी मतलब एक तो बड़ा अच्छा रहा ऊपर से, तो क्या होना चाहिए कि सब लोगों को लग रहा है कि बहुत अच्छा समय चल रहा है, लेकिन नहीं चल रहा। आप मुझे बताइए, मतलब नाम नहीं ऐसे बोलना नहीं चाहिए वर्ड, लेकिन ऐसे ही वर्ड बोल रहे हैं, रोड छाप ज्योतिष क्या बोलेगा इनको? बोलेगा कि बड़ी बड़ी बातें बताएंगे, अरे इसलिए आपके साथ अनर्थ हो रहा है क्योंकि शुक्र के साथ राहु बैठा हुआ है और राहु खराब कर रहा है, तो राहु का इनको उपाय भी करवा दो। जी गुरु जी बिल्कुल। राहु थर्ड हाउस में बैठा है, बुरा कहाँ है? ठीक है, ये राहु के इफेक्ट के कारण थोड़ी ना शुक्र इनको खराब कर रहा है, शुक्र तो इनको जो खराब कर रहा है वो भाव शून्य के कारण खराब कर रहा है, फल ही नहीं दे रहा ना अच्छा ना बुरा। कल मैंने यही कहा था कि अगर भाव शून्य के पास कोई ग्रह आ जाए तो वह ग्रह अगर अच्छा है तो अच्छा फल नहीं देगा और बुरा है तो बुरा फल नहीं देगा। बात समझ में आ गई? तो देखिए इनको नहीं मिल रहा, और यही अब अच्छा होता जो होता होता एक अलग बात है, लेकिन नहीं मिलने के पीछे रीजन आपको क्लियर हो गया ना? नहीं हुआ क्लियर? जी हो गया। हाँ, अब यहाँ पे राहु केतु का कोई इन्वॉल्वमेंट है क्या यहाँ पर? नहीं अभी तो नहीं, ये गलत है ऐसा कुछ बोल देना। ठीक है, शुक्र पर राहु का इफेक्ट मान लेते हैं, लेकिन अभी जो इनको इफेक्ट मिल रहा है वो भाव शून्य का मिल रहा है, और गोचर भी अच्छा सब कुछ अच्छा, लेकिन फल नहीं ले पाएंगे। हाँ जी, अब बताइए। यहाँ पे केतु है, केतु यहाँ पे है, तो यह भी कह सकते हैं कि जब तक वहाँ पे शुक्र की दशा चलेगी तब तक इनके घर में मांगलिक कार्य भी नहीं हो सकता। इनके घर में मांगलिक कार्य, शुक्र वहाँ, हाँ आवाज नहीं है क्या? हाँ केतु है। हाँ केतु है, फिर से हम केतु यहाँ पे नए भाव पे है और मांगलिक कार्य का भी नवा भाव है घर में, तो अगर यहाँ पे केतु है दूसरा शुक्र जो है सो बलहीन हो गए हैं, उनके अंतर दशा चलिए तो घर में मांगलिक कार्य भी नहीं हो सकता ना, विवाह शादी वगैरह नहीं हो सकता। यहाँ गलती कर रहे हैं आप, देखिए मांगलिक कार्य के लिए आप केतु देखें, जब केतु की अंतर दशा होती तब शुक्र की दृष्टि का इफेक्ट कब लिया जाता है? जब ग्रह ना हो गुरुजी, जब यहाँ कोई ग्रह शादी ही हुई है। और अब मान लीजिए ग्रह है केतु के अगर अंतर दशा चलेगी तब तो ये कहना थोड़ा सा उचित है, लेकिन ऐसे कह देना ये अनुचित है। अब देखिए यहीं पर ना ज्योतिषों का तुक्केबाजी स्टार्ट हो जाती है, अभी आप इनको ये कह देंगे ये नहीं होगा, वाकई इनके घर में कोई मांगलिक कार्य नहीं हो रहा था, ये एडमिट कर लेंगे। शादी हुई है गुरुजी मेरी जी, पिछले साल शादी हुई है आपकी जी। देखिए ये आपकी बात गलत हो गई कि नहीं गलत हो गई? देखा इसीलिए हम पूछे हैं सिर्फ, समझने के लिए पूछे हैं कैसा हो सकता है कि नहीं हो सकता। हाँ ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वो तब देखा जाता जब नाइन्थ हाउस में कोई ग्रह ना होता या केतु की अंतर दशा स्टार्ट होती, तब शुक्र तो यहाँ कोई फल दे पाता ना, तब कोई शुक्र यहाँ फल दे पाता। और ये शुक्र की दशा कब से स्टार्ट हुई आप बताइए जरा? सन 2019 से। 19 से, ये देख लीजिए, तो जहां पे इसको फल देना है वहां का दे रहा है क्या? नहीं, भाव शून्य है। तो अब आपको क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया ये बात? बात सबको समझ में आ गई भाई कि नहीं आई समझ में? जी गुरु जी, जी एकदम क्लियर है ना? राहु केतु को मत फंसा दीजिएगा जबरदस्ती। जी गुरु जी। हाँ, राहु केतु की कोई गलती नहीं है इसमें, आपकी तरफ हाँ, इसमें कोई राहु केतु की कोई भी गलती नहीं है, ध्यान रखिएगा।
तो ये इस प्रकार से हो गया। अब सब लोग अपनी कुंडली में लगा के देखें, ये वाला सूत्र जो मैंने बताया, सब लोग अपनी कुंडली में लगाए। जी गुरु जी, लग्नेश को जहां पे लग्नेश गोचर में काम कर रहा है वहां पे रख दे और लगा के बताएं उनका कौन कौन सा भाव एक्टिवेट है और उससे संबंधित शुभ फल उनको क्या मिल रहे हैं। लेकिन गोचर लगाने से पहले दशा देख लीजिएगा कि कैसी है, बिना दशा की बात नहीं होनी चाहिए। शनि की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा और शुक्र की महादशा में शनि की अंतर्दशा अच्छे फल नहीं देती। कब नहीं देगी? जितने ये ग्रह पावरफुल होंगे उतना ही, और अगर एक दूसरे से छठे आठवें बैठ जाए या खराब घरों में उतनी दशा ये अच्छी जाए। जितना यहाँ शनि शुक्र कमजोर होते जाते हैं, खराब होते हैं, उतना ये फल अच्छा करती है। और इनका देखिए नव पंचम शनि शुक्र बैठे हैं, क्योंकि शनि शुक्र इनके दसवें भाव में है और शनि इनके कहां पर है, छठे भाव में। तो ऑब्वियस यहां पर क्या हो गया, यहां पर क्या हो गया कि जो शुक्र शनि नव पंचम योग हो गया। अब पहले मुझे बताइए जो मंगल है, मंगल कितने डिग्री पर है आपका? जी सर बता रहा हूं, मंगल सर 317 में है। मंगल भी पावरफुल है क्योंकि भाव मध्य के पास मंगल भी बैठ गया आपका। जी भाव मध्य के पास मंगल भी बैठा है और भाव मध्य के पास शनि भी बैठा हुआ है। तो अब शनि का अगर उठा के देखें तो लग्नेश यानी आपका छठा भाव एक्टिवेट हुआ पड़ा है, तो छठा भाव लग्न एक्टिवेट हुआ पड़ा है, तो लड़ाई झगड़ा तो होगा ही होगा आपका, और आपका होगा क्योंकि लग्न एक्टिवेट है। और कहाँ होगा जो मंगल, आप देखिए मंगल कहाँ एक्टिवेट कर रखा उसने, चौथे भाव में, तो आपके परिवार में लड़ाई झगड़ा होगा। जी सर, ये शनि की जब तक दशा चलेगी तब तक इसके मजे आप लेते रहिए, ये भी एक मजा लेना, इसके मजे आप लेते रहिए। जी सर जी, हाँ ये भी मजा है भाई, सब चीज जिंदगी में अच्छी भी चीज आनी चाहिए, बुरी भी चीज आनी चाहिए, जीवन को गुरु जी एंजॉय करना चाहिए। गुरुदेव हाँ एंजॉय करिए एकदम अच्छा, लेकिन देखिए एक बात समझ लीजिए, मंगल भी एक्टिवेट हुआ पड़ा है, होशियार रहिएगा, अस्त्र शस्त्र का यूज मत करिएगा। जी सर, अगर चला कि घर में कुछ पड़ा तलवार वाले एक दूसरे को काट डाले, कोर्ट सर लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है, लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है। अच्छा लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया किया। मिलेगा ना गुरुजी, नहीं मिलेगा, मिलेगा नहीं ना, नहीं शनि भाव मध्य के पास बैठे हैं इनके, तो अस्त्र का प्रयोग ना करिएगा वरना जिंदगी दूसरी तरफ मुड़ जाएगी आपकी। सर कोर्ट वोट तो नहीं जाएंगे, काहे नहीं जाएंगे, शनि छठे बैठ के बारहवें घर में कोई ग्रह बैठा है? बारहवें भाव में सर कोई ग्रह नहीं है, धनु राशि है। तो फिर क्यों नहीं जाएंगे, पक्का जाएंगे आप? तो पक्का हो गया बिल्कुल, शनि ग्रह नहीं बैठा है, शनि बारहवें घर को देख रहा है, बारहवें घर जेल का होता है, तभी तो मैंने अस्त्र मना किया आपको, क्यों नहीं जाएंगे? सावधान रहिए, अस्त्र शस्त्र का प्रयोग ना करिए, ठीक है? अभी तक बोला ये भी मजे लीजिए इसके ही, तो मजे लीजिए, सावधान रहिए, आपको अस्त्र शस्त्र का प्रयोग मत करिएगा। मंगल अस्त्र शस्त्र का प्रयोग पक्का करवाता है, और अभी मंगल जब पावरफुल हो जाए तब, तो मंगल तो इनका भाव मध्य के पास आ गया, घर में चला गया, तो वहां समस्या इनको देगा, ठीक है? समझ में आ रहा है भाई? इसलिए थोड़ा सा चीजों को अवॉइड उपाय क्या कर सकते हैं, उपाय जल राशि बैठे हैं हम सब कहेंगे कि रोज कोर्ट में घूम आए और एक बार दो चार दिन में हाँ के धाम को भी घूमते रहे, वो उसे फिर काफी एनालिसिस करनी पड़ेगी। अभी देखिए शनि इनका छठे हाउस बैठा हुआ है, तो शनि छठे हाउस बैठ करके मिथुन राशि में है, तो शनि शनि का उपाय इनके लिए ठीक रहेगा, शनि का उपाय इनके लिए ठीक रहेगा जो, और शनि का क्या है, सेवा कार्य, छठा भाव कार्य, तो आप ना गरीबों को शनिवार के दिन कुछ खाने पीने की चीज दे दिया करिए। जी सर, लेकिन उसके बावजूद भी आप अस्त्र शस्त्र का प्रयोग मत करिएगा, क्योंकि बारहवां घर खाली है,
शनि छठे घर में बैठ के बारहवें घर को देख रहा है, एक फार्मूला है। शनि की अगर कोई भी प्लेसमेंट या शनि की दृष्टि बारहवें घर में जाती है तो व्यक्ति जेल के चक्कर जरूर लगाता है। शनि की दृष्टि अगर बारहवें घर में जाती है या शनि खुद बारहवें घर में बैठते हैं तो व्यक्ति जेल जरूर जाता है। अब दृष्टि वाले में कॉन्सेप्ट है वही वाला क्या, कि अगर बारहवां घर खाली है तब तो शनि का आधिपत्य हो गया, अगर बारहवें घर में कोई ग्रह है तब तो थोड़ा बच गया। ये ध्यान देना आपको, समझ में आ गई बात नहीं आ गई? तो इनका देखिए बारहवां घर खाली है, शनि छठे हाउस में बैठे हुए हैं, वहां से बारहवें को देख रहे हैं। तो छठा जी ऐसा हो सकता है क्या कि ये जेल जाने से बच जाए, ये ऐसा हो सकता है गुरु जी, कुछ ऐसा उपाय हो सकता है? दशाएं बताएंगी, दशाएं बताएंगी ये बात जी गुरु जी। दशाएं क्योंकि दशाएं की शनि की चली लगने और छठे बैठा हुआ है तो कहीं ना कहीं झगड़े और झंझट पे इनका हाथ जरूर होता है, इनिशिएट इन्हीं के कारण होता है, प्रारंभ इन्हीं के कारण होता है। भाई जी कुंडली है कहाँ गए, गायब हो गए क्या हो? जी सर जी सर, उपाय ऐसा होता है क्या? जी सर होता है सर, हम ही सबसे आगे हाईलाइट होते हैं। हाईलाइटेड यही रहते हैं क्यों? अभी डायरेक्टर के साथ में कर लपड़ा हुआ तो डायरेक्टर हम ही हाईलाइट हो गए थे उसमें आगे। हाँ देखिए डायरेक्टर यही है सबको, तो जब डायरेक्टर आप बनेंगे क्योंकि लग्न है ना तो लग्नेश डायरेक्टर है, तो डायरेक्टर आओगे तो गड़बड़ हो जाएगी वहां पर, इसलिए अपने आप को थोड़ा हाईलाइट, तो आप ये मान कर जब हाईलाइट हो रहे हैं तो फंसेंगे भी आप, इसीलिए अवॉइड करिए उन चीजों। और शनि की कोई चीज जो है मतलब खाने पीने की चीज गरीबों को दीजिए, अंडर प्रिविलेज लोगों को। सर क्या वेद पारायण करवाएं? हैं वेद पारायण आप जो भी कराइए, लेकिन खाने की चीज जरूर दीजिए। जी सर खाने की चीज जरूर, और भी अंडर प्रिविलेज लोगों को, यानी कि जो मतलब आपके जो नौकर हो या जो बहुत गरीब लोग हो उनकी बात कर रहे हैं उनको जरूर दीजिए। जी सर शनि मंत्र का जाप करिए क्योंकि थर्ड में वो वही तत्व राशि है ना, तो जाप जरूरी है वहां पर, तीन साधियां। ठीक गुरु जी, हाँ जी अगर शनि यहाँ पर बिल्कुल कमजोर हो जाए इसे हाँ, नहीं होगा तो फिर समस्या कम हो जाएगी? तो अगर शनि कमजोर हो जाए तब ना, लेकिन शनि तो इनका भाव मध्य के पास है। नहीं यानी कि दूसरी कुंडली में देखने से शनि कमजोर है किसी कुंडली में तो फिर समस्या ज्यादा नहीं होगी? तो तब तब समस्या ज्यादा नहीं रहेगी, शनि शुक्र की अंतरदशा में इतना कष्ट नहीं आएगा। तो गुरु जी जब शनि दशम बारहवें भाव को देखेगा तब ज्यादा समस्या इनके सामने होगी? क्या बोल रहे हैं? जब शनि दशम भाव बारहवें भाव को जब देखेगा दृष्टि पहुंचेगी जैसे गोचर में? गोचर में नहीं, जन्म कुंडली में दृष्टि की बात हो रही है, गोचर की दृष्टि की बात नहीं हो रही। नहीं नहीं गुरु जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ जैसे शनि इनका छठे भाव में बैठ कर बारहवें भाव को देख रहा है जी, जब शनि बारहवें भाव को गोचर में जब देखेगा जाकर के इसे तब ज्यादा इनके सामने समस्या होगी? तब इनको ज्यादा समस्या आएगी, एकदम सही बात है। बारहवें भाव के गुरु को देख ले तो वहां ज्यादा समस्या आएगी एकदम, तो 100% यानी कि जेल जाने संभावना बन जाएगी क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट होती है दशाएं। जी 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 दशाएं बहुत इम्पोर्टेंट, देखनी पड़ेगी ना, करनी पड़ती है। जी जी पहला सिद्धांत आप लोगों को समझ में आ गया ना, दूसरा सिद्धांत देखिए। दूसरा लग्नेश जिस राशि में हो, लग्नेश जिस राशि में हो, कुंडली में लग्नेश जिस राशि में है उससे त्रिकोण में जब गोचर वश, उससे त्रिकोण में जब गोचर वश भावेश आ जाए, गोपाल जी अपना माइक बंद कर लीजिए। जी सर बंद कर रहा हूँ। हमने बोला लग्नेश जिस राशि में हो उससे त्रिकोण में जब गोचरवश भावेश आ जाए तो वह जिस भाव का स्वामी होगा ना वो भाव एक्टिवेट होगा, ये दूसरा फार्मूला। अगर किसी कुंडली में पहला फार्मूला नहीं लग रहा है तो दूसरा फार्मूला लगा दीजिए। अब इसको गुरुजी एक बार रिपीट करना प्लीज, लग्नेश जिस राशि में उस त्रिकोण में गोचर वश भावेश आ जाए
भावेश आ गया तो वो भाव एक्टिवेट हो जाएगा। कौन सा भाव? जो भावेश आ गया। तो इसको हम इसको फिर उल्टा करके लगा लीजिए, ये तो फिर आसानी से लग जाएगा ये फार्मूला। कैसे देखिए, इसमें क्या करिए, पहले कुंडली आप इसमें ड्रॉ कर लीजिए, पहले यहां से त्रिकोण करिए, देखिए अब हमने बोला लग्ने जिस राशि में हो, कोई कोई भी एक व्यक्ति अपनी कुंडली बता रहे किस लग्न की, कोई भी एक व्यक्ति मेष लग्न, कर्क लग्न, कर्क कर्क लग्न। अच्छा तो कर्क लग्न में पहले पहले कर्क लग्न बना देते हैं, चार पांच छ सात आठ नौ ग्यारह बारह एक दो तीन। अब बताइए चंद्रमा कहाँ पर? चंद्रमा आज आज की तिथि पंचांग निकालना पड़ेगा। किसी को आइडिया है आज चंद्रमा किस में है? नहीं आज नहीं, आपकी कुंडली में बताइए चंद्रमा कहाँ पर। अच्छा अच्छा वो द्वादश में है, मिथुन राशि में, मिथुन राशि। जी 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 ठीक है। अब यहां से गिनिए त्रिकोण, पंचम त्रिकोण देखिए कौन सा हो जाएगा, चौथा भाव। चौथा भाव यहाँ पे है ना, और नवम त्रिकोण कौन सा होगा? आठवां भाव। अब गोचर में इस तुला राशि पे कोई ग्रह चल रहा है आज? गोचर में तुला राशि में कोई ग्रह है गोचर में? केतु है गुरुजी, केतु। केतु तो केतु तो नहीं लिया जा सकता है ना। और कुंभ राशि ये कौन सा ग्रह है कुंभ राशि में? कुंभ में शनि शनि चल रहे हैं, कुंभ में शनि चल रहे हैं। जी जी अब तो फार्मूला पढ़िए क्या बताया, लग्नेश जिस राशि में है, तो लग्नेश चंद्रमा किस राशि में है? मिथुन राशि में, इससे त्रिकोण में, तो इससे त्रिकोण में ये तुला राशि और कुंभ राशि में जो भावेश आएगा वो भाव एक्टिवेट हो जाएगा। तो दिमाग लगा के बताइए कौन सा भाव एक्टिवेट हुआ पड़ा है? सप्तम अष्टम, अष्टम भाव, सप्तम अष्टम भाव एक्टिवेट हुआ पड़ा जी। कैसे एक्टिवेट हुआ पड़ा समझ में आ गया? जी गुरु जी 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 जी। अब अष्टम भाव एक्टिवेट हुआ पड़ा, अब अष्टम भाव के फल इनको कब मिलेंगे? जब चंद्रमा कितनी डिग्री पे ये बताइए पहले। चंद्रमा है चंद्रमा चार डिग्री है शायद, एक मिनट में कंफर्म करता हूँ। आप देख रहे गुरु जन्म के देखने हैं आपके देखने हैं? जन्म कुंडली के चंद्रमा, जन्म कुंडली के चंद्रमा, जन्म कुंडली में चंद्रमा जो है 4 डिग्री है जहाँ तक। एक मिनट में जरा कुंडली निकाल रहा हूँ मैं। हाँ आप निकालिए आराम से निकालिए, कोई बात नहीं। कुंडली गुरु जी इसमें पांचों भाव एक्टिवेट नहीं होगा जी? पांचवा भाव कैसे, पांचवे भाव में का एक्टिवेट? हाँ चंद्रमा 17 डिग्री पर है। जरा भाव मध्य बताइए कितना है कुंडली का, भाव मध्य बीएम 18 लग्न डिग्री ठीक। और भाव शून्य कितना हो जाएगा बताइए भाई, बीएस
15 जोड़े की 15 घटाएं, 15 घटाएं जोड़ेंगे गुरुजी। अरे घटाना है, घटाएंगे गुरुजी, घटाएंगे 3 डिग्री आ जाएगा, 3 आएगा, 3 जी जी 3 डिग्री आ जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, अब देखिए शनि जब 17 डिग्री पर आएंगे ना, तब ये आठवें भाव को जबरदस्त एक्टिवेट करेंगे। शनि फिर गुरुजी तब अच्छा देता, तब तक वो एक्टिवेट रखते होंगे इससे ज्यादा। हाँ गुरुजी, ये 17 डिग्री कैसे कहे, कैसे कहे? हमने बोला कि लग्नेश जिस डिग्री पर है उसी डिग्री पर गोचर में वो ग्रह आ जाए जिस भाव का स्वामी है, तो तब ये भाव ज्यादा एक्टिवेट हो जाए। अच्छा, क्योंकि अभी बोला लग्नेश जिस राशि में है यहाँ पर, उससे त्रिकोण में राशि चौथा भाव और आठवां भाव हुआ, नहीं जो ग्रह गोचर में आ गए हैं वह भाव एक्टिवेट होगा। तो होगा कब एक्टिवेट? शनि तो यहाँ 2.5 साल चलेंगे, तो क्या 2.5 साल आठवां भाव एक्टिवेट रहेगा क्या? नहीं। तो कब ये एक्टिवेट होगा? जब ये शनि लग्नेश की डिग्री पर आ जाए। तो लग्नेश की डिग्री 17 डिग्री है, तो 17 डिग्री पर ये आ जाएंगे तो ऑटोमेटिक होगा, ठीक है। आप जरा देखिए यहां पर आठवां भाव, अब आइए जरा दशा की चीज की चल रही है, बताइए अब आठवां भाव से संबंधित शुभफल मिलेगा कि अशुभफल? तो ये तो दशा बताएगी, दशा किस चीज की चल रही है, जिन्होंने बताया ये कुंडली जो बता रहे हैं वो हमारी बात सुन पा रहे हैं, और तो बताइए दशा किस चीज की चल रही है? चले गए क्या? हाँ शायद वो चले गए गुरुजी, इसी मेथड पर हमने भी आगे बढ़ा दिया है, तो बात कर सकते हैं। दशा शनि की चल रही है। अच्छा शनि की चल रही है, दशा शनि की चल रही है, और शनि कितनी डिग्री पर है? शनि 3 डिग्री पर है, भाव शून्य पर है। जी जी, भाव शून्य पर है, और शनि खुद अष्टम भाव के स्वामी भी है, और शनि बैठे काम करें षष्ठम में, ओ धनु राशि बढ़ाएंगे, शनि धनु राशि में बैठे हैं शनि। देखिए इनकी सातवीं दृष्टि जा रही है, लेकिन चूंकि चंद्रमा है और चंद्रमा पावरफुल भी है, लेकिन डिनाय तो नहीं कर सकते इनको, कुछ हुआ है क्या ऐसा कोई लफड़ा है? शनि 3 डिग्री पे चल रहा है, शनि तो 0 डिग्री पे, तो शनि की महादशा किस चीज की चल रही है? हमारी आवाज लगता है निकल तक नहीं जा पा रही है। महादशा गुरुजी आ रही है, गुरुजी आ रही है आपकी आवाज? नहीं नहीं, जिनसे बात चल रही है वो बीच में गायब हो जा रहे हैं ना, तो आधी बात समझ में आ रही है। ये शनि की जो अंतरदशा है, अंतरदशा है कि महादशा है, पहले तो ये बताए। नहीं चलिए कोई बात नहीं गुरु जी। जी हमारी कुंडली देखिए जी, गुरु जी इस केस में फॉल्स एलिगेशन जो लगाया हुआ था वो केस है ये। क्या नहीं समझ में? एक मिनट मुझे ये बताइए महादशा किसकी चल रही है? शनि की। और तो अंतरदशा किस चीज की चल रही है? राहु। राहु कहाँ बैठे हुए हैं? अगर वही क्या हो जाता भाव मध्य के पास वही ग्रह चला जाता, तब तो बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ जाता उसका। गुरुजी मेरा प्रश्न है जी। जी गुरुजी, अगर लग्नेश से त्रिकोण भाव में कोई 3 ग्रह बैठा है गुरुजी, तो तीनों तो भाव एक्टिवेट हो गए। हाँ, तो उस ग्रह से संबंधित सभी भाव एक्टिवेट हो जाएंगे। कब कब जी? तो आप देखेंगे जी। नहीं नहीं आप उल्टा पढ़ रहे हैं। लग्नेश जहां पर बैठा है हाँ वहां पर त्रिकोण में गोचर में जो ग्रह आएगा, ना कि आपकी जन्म कुंडली वाला। अच्छा, गोचर में जो ग्रह आएंगे जी, वही तो लिखवाया मैंने कि लग्नेश ग्रह से संबंधित है, उससे यदि त्रिकोण में जो गोचर वश भावेश जाएगा वो भाव एक्टिवेट होगा।
बात समझ में आ गई नहीं आ गई? अच्छा, वो त्रिकोण में गोचर का ग्रह होना चाहिए ना गुरु जी? हाँ, तो वो जो गोचर का जो ग्रह होगा वो आपकी जन्म कुंडली के जिस भाव को प्रदर्शित करेगा वो भाव एक्टिवेट होगा। जी जी गुरु जी। अब मैं इसी में एक आंसर और देता हूं आपको। मान लीजिए आपकी कुंडली के लगने से त्रिकोण में दो भाव, दो ग्रह गोचर कर रहे हैं किसी भी भाव में, मान लिया, तो क्या अब वहां पे दो ग्रह गोचर कर रहे हैं तो दो ग्रह के हिसाब से तो चार भाव एक्टिवेट हो गए। तो चार भाव को कैसे करेंगे? मूल त्रिकोण राशि ले लेंगे आप। मूल त्रिकोण राशि, जी जी। तो दो दो भाव चले गए। अब दो भाव में कौन सा भाव एक्टिवेट होगा? तो जिस जो ग्रह लग्नेश की डिग्री पर होगा वो भाव एक्टिवेट हुआ होगा। मान लिया एग्जाम्पल कि लग्नेश हमारा 17 डिग्री पर है और लग्नेश से त्रिकोण में गोचरवश दो ग्रह आ गए। एक एक चला गया 4 डिग्री पर, दूसरा 16 डिग्री पर है। तो अब कौन सा ग्रह, कौन सा हाउस एक्टिवेट होने जा रहा है? जो ग्रह 16 डिग्री पर है, क्योंकि लग्नेश की डिग्री 17 है, तो जो ग्रह 16 डिग्री पर है वो भाव एक्टिवेट होने जा रहा है आपका। धर्मेंद्र जी अपना माइक ऑफ कर लीजिए। ये समझ में आया भाई? नहीं आया सबको समझ में ये बात? आ गए गुरु जी। एक बार से रिपीट कर दीजिए। फिर से रिपीट कर दो। हम ये कह रहे हैं कि लग्नेश मान लीजिए 17 डिग्री पर है और लग्नेश से त्रिकोण पे दो ग्रह बैठे हैं, एक ग्रह 4 डिग्री का है और एक ग्रह 16 डिग्री का है। कुंडली में देखे कि गोचर में देखे? लग्नेश को तो आप कुंडली में देखेंगे और लग्नेश से त्रिकोण गोचर में देखेंगे। बात समझे कि नहीं समझे आप? सर लग्नेश क्या बता रहे थे, समझ में नहीं आया। तो फिर से रिकॉर्डिंग सुनिए, आप समझ में आ जाएगा। हम बोल रहे हैं कि लग्नेश, लग्नेश आपकी कुंडली का लग्नेश जहां पर आपकी जन्म कुंडली में बैठा है, आपकी कुंडली का लग्नेश जहां पर आपकी जन्म कुंडली में बैठा है जी सर, वहां से त्रिकोण लीजिए गोचर में। अगर वहां कोई ग्रह गोचर कर रहा है जी सर, त्रिकोण में कोई भी ग्रह वहां पे गोचर कर रहा है तो जो ग्रह गोचर कर रहा है वो भाव एक्टिवेट होगा जी सर। वह भाव क्या हो जाएगा? एक्टिवेट हो जाएगा जी सर। समझ में नहीं आई? जी सर आगे। यस, ये है। अब हम बोले कि मान लीजिए वहां दो ग्रह गोचर कर रहा है, लग्नेश की डिग्री हमने आपकी कुंडली में 17 डिग्री देखी हमने, ऐसे एग्जांपल ले लिया, और जो गोचर कर रहा है त्रिकोण में एक 4 डिग्री पर एक 16 डिग्री पर है, तो सबसे पहले कौन सा भाव एक्टिवेट होगा? जो 16 डिग्री पर है वो भाव एक्टिवेट होने जा रहा है। जो ग्रह 16 डिग्री पर है वह ग्रह जिस भाव को गवर्न कर रहा है आपकी कुंडली में वह भाव एक्टिवेट होने जा रहा है। अभी भी नहीं समझ में आया सर? आ गए गुरु जी। एक कुंडली का उदाहरण दीजिए गुरु जी, सिंह लग्न की। अच्छा गुरु जी, हो रहा है मान लीजिए 17 डिग्री पर 16 डिग्री पर है तो एक्टिव हो गया, लेकिन जैसे ही वो 17 से पार कर जाएगा फिर, और यह ग्रह अगर 17 डिग्री पर आ जाएगा तो वो एक्टिव हो जाएगा फिर। जी जी, एकदम सही समझे। दूसरा भाव एक्टिवेट हो जाएगा। हाँ जी, सिंह लग्न की कुंडली बता रहे थे आप, देखिए 5 6 सिंह लग्न कुंडली बनाई है गुरु जी। हाँ, आप बताइए इसका लग्नेश कौन है? इसका लग्नेश सूर्य है गुरु जी। और आपकी कुंडली में सूर्य बैठे हुए गुरु जी? इसको बिठा देते हैं मिथुन राशि में अभी, मान के चलो। आप बताइए आपकी कुंडली में कहाँ पर बैठे हुए हैं सूर्य? नहीं, मेरा जो बैठे है उसमें जम नहीं रहा है अभी, अभी मिथुन राशि में बिठा देते हैं गुरु जी। चलिए बैठा दो। अब यहाँ से त्रिकोण देखिए, 1 2 3 4 5 यहाँ पे केतु है गोचर में जी, और कुंडली में, और यहाँ पे शनि गोचर में चल रहे हैं। ये गोचर के शनि है और ये गोचर के केतु जी। तो अब केतु का तो कोई भाव होगा नहीं,
जी शनि का भाव होगा, तो शनि आपकी कुंडली में किस भाव को गवर्न कर रहे हैं? छठे भाव और सातवें भाव को। जी छठे भाव और सातवें भाव को गवर्न कर रहे हैं। जी जी छठा और सातवां भाव एक्टिवेट हुआ है। अब छठे और सातवें में ज्यादा कौन सा एक्टिवेट हुआ है? सातवां। इसमें भी एक सिद्धांत है, कहते हैं कि अगर बुरा घर बुरे ग्रह की दशा चल रही है तो बुरा भाव एक्टिवेट होता है, अच्छे ग्रह की दशा चल रही है तो अच्छा भाव एक्टिवेट होता है। मतलब सिद्धांत तो इतने हैं कि क्या बताया जाए, लेकिन चलो जो जो इम्पोर्टेंट है वो तो करना ही पड़ेगा ना। अब ये करना पड़ेगा, अंतर दशा अगर बुरे भाव की चल रही है, मतलब बुरे ग्रह की चल रही है तो छठे भाव को एक्टिवेट मानेंगे, अच्छे भाव की चल रही है तो सातवें भाव को एक्टिवेट मानेंगे, मूल त्रिकोण सातवें भाव मानेंगे। गुरु जी आपने तो गोचर लगा दिया, इसको कुंडली में बिठाते हैं ग्रह को? नहीं बैठाएंगे ना, हमने बताया ही नहीं ऐसा, हमने कहा गोचर देखना है, हमने वो फिर कंफर्म किसे मानेंगे गुरु जी? ये टीम माने अब मूल त्रिकोण वाला या बुरा ग्रह है तो बुरा वाला? हाँ दोनों ही अपनी जगह सही है, मूल त्रिकोण को ज्यादा प्रायोरिटी दी गई। जी जी अब ये देखिए यहाँ पर ये हमने कभी कुंडली में लगाया ही नहीं ना, हमने बोला कि लग्नेश आपकी कुंडली में जहां पर बैठे हैं वहां से त्रिकोण में गोचर में जो ग्रह चल रहे हैं तो वह गोचर वाला जो ग्रह होगा वह आपकी कुंडली में जिस भाव का स्वामी होगा वह भाव एक्टिवेट हो जाएगा। अभी भी नहीं समझ में आया क्या? ये दो रूल बताए, दो रूल चलिए कल बताएंगे, तो अब आज की क्लास यहीं पे रोक रहे हैं हम लोग। गुरु जी एक हमें थोड़ा और बता दीजिए, जैसे ये मकर लग्न है। हेलो, हाँ बताइए जी। गुरु जी मकर लग्न की कुंडली में शनि जो है दूसरे भाव में बैठे हुए हैं इस समय, कुंभ राशि में बैठे हुए हैं, ठीक है जी। अब कुंभ से देखिए, कुंभ से गिनिए पांचवा भाव कहाँ आएगा? छठा आएगा गुरु जी। छठा, तो छठे भाव में कौन सी राशि आ रही? मिथुन। मिथुन आ रही जी गुरु जी। मिथुन में कोई ग्रह गोचर में चल रहे हैं इस वक्त, ये देखिएगा आप, ठीक है। अगर चल रहा है तो वह जिस आपकी कुंडली में जिस भाव के स्वामी वो भाव एक्टिवेट है। अब आइए नवा भाव कहाँ आएगा? दसवां हो जाएगा जी। दसवां, तो दसवें भाव में कौन सी राशि है? तुला। तुला जी गुरु जी। तुला में शुक्र है, केतु का अपना कोई भाव है नहीं जी गुरु जी। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, मिथुन में अगर कोई ग्रह चल रहे हैं उनके गोचर में ना कि आपकी कुंडली में, तो वह ग्रह आपकी कुंडली में जिस भाव के स्वामी होंगे वह भाव एक्टिवेट हो जाएगा। अच्छा गुरु जी, पहले रूल के हिसाब से जैसे छठे भाव में शुक्र बैठे, पहला रूल भी तो बता दिया कि वहां लग्नेश गोचर में जहां पे लग्नेश आ गए हैं वहां से त्रिकोण देखिए कोई ग्रह आपकी कुंडली में बैठे हैं क्या? शुक्र बैठे हैं गुरु जी। तो बस उसी हिसाब से भाव एक्टिवेट हो जाएगा, बस ये है भाव एक्टिवेशन का कॉन्सेप्ट जी गुरु जी। अब वो अच्छा फल देगा कि बुरा फल देगा ये दशा बताएगी आपको। जैसे गुरु जी उस भाव में अगर मान लीजिए राहु या केतु बैठे हुए जो भाव एक्टिवेट हो रहा है, तो अपना कोई भाव नहीं होता ना? नहीं नहीं, जैसे जो ग्रह जैसे शनि है, शनि जो है कुंभ लग्न में है, कुंभ राशि में है, तो छठे भाव में शुक्र बैठे हुए हैं, शुक्र तो पंचम भाव में स्वामी होगा, जो शुक्र का भाव होगा वो एक्टिवेट होगा आपका। हाँ, तो जो पंचम भाव एक्टिवेट हो रहा है तो उसमें केतु बैठे हुए हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं उससे मतलब पंचम भाव एक्टिवेट हो गया बस। जी जी अच्छा, तो दशम भाव एक्टिवेट हुआ है आपका जी। अब ये अच्छा फल देगा कि बुरा फल देगा ये आप अपनी दशा देखिए जी। गुरु जी इस प्रकार से गुरु जी, हाँ जी एक और सवाल है,